हेलो गाइस, नानेज हियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, लोगो देखकर तो आप समझ ही रहे होंगे कि कौन सा गेम स्टार्ट होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो ग्रैनी चैप्टर 3 का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। फाइनली ग्रैनी चैप्टर 3 अब आ गया है और हम उसे आज खेलने वाले हैं। सो मैंने ग्रैनी के जितने भी गेम्स खेले हैं भाई, मुझे सारे गेम्स बहुत अच्छे लगे हैं और ग्रैनी का गेम भाई वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स है। सो ग्रैनी चैप्टर 2 से इस गेम को बहुत डिफरेंट बनाया है, जो कि फर्स्ट चेंज तो मुझे यहीं पर लोडिंग स्क्रीन में दिख रहा है, जहां पर हमारे दद्दू शॉटगन लेकर घूम रहे हैं। दद्दू और दद्दू के साथ साथ स्लेंडरना भी है इस घर में। बच के निकलना बड़ा मुश्किल है यहां से। मुझसे अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, बाकी चीजें हम गेम में ही देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ग्रैनी चैप्टर 3। सो मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ इस गेम को, सो मैं इजी मोड में खेलूंगा। नेक्स्ट टाइम हम नॉर्मल मोड में और फिर हार्ड में और फिर एक्सट्रीम में भी ट्राई करेंगे। If you drop something on floor, Granny will come. Grandpa does not hear very well. If you see Slenderina, look away as soon as possible. That is pretty important. If you are stuck in a bear trap, look at it and press and hold the remove button. You can hide in under beds and in wardrobe. You have 5 days to escape. Okay, so इन लोगों ने गेम के स्टार्टिंग में एक इंट्रो भी बनाया है, ये अच्छी बात है क्योंकि ग्रैनी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कोई इंट्रो नहीं था। ओके, सो ग्राफिक तो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई एक नॉर्मल इंसान इस तरह के भूतिया बंगलों में क्यों घुसता है यार? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे तो वो कार है ना यार, जो ग्रैनी चैप्टर 1 में थी, ग्रैनी की कार है, इसी को लेकर हम भागे थे। ये तो भाई हॉरर मूवीज और हॉरर गेम्स का रूल है, गेट अपने आप क्लोज होता है। खर्चा किया भाई ग्रैनी ने, बड़ा घर खरीद लिया पहले से। 25 दिन में पैसा डबल। गेट ऊपर हो गया है, मतलब कि गेम स्टार्ट हो गया है। मुझे बात समझ नहीं है भाई, ये करने क्या आया है यहाँ पर? कोई बैकग्राउंड स्टोरी हो तो भाई समझ भी आए, हम यहाँ पर सिर्फ घूमने आए क्या? इतना अंदर आ गया हूँ भाई, ग्रैनी नहीं दिखी अभी तक मुझे एक बार भी। पीछे से मारेगी भाई, लग रहा है मुझे ग्रैनी। अरे दद्दू आ गए भाई, दद्दू आ गए, शॉट गन है भाई दद्दू के हाथ में। आजकल दद्दू भी पबजी खेल रहे हैं भाई। कुछ भी, कुछ भी। निशाना अच्छा भाई दद्दू का। मैंने अभी शॉटगन की बुलेट खाई है, जिंदा कैसे हूं मैं अभी तक? अभी हम जिंदा हैं। डंडा वंडा तो मुझे समझ आता है कि भाई डंडा मारा तो वापस उठ के खड़ा हो सकता हूं मैं, लेकिन भाई उसने शॉटगन चलाई है मेरे ऊपर। वन पीस में हूं मैं अभी भी। ग्रैनी चैप्टर 1 में भाई ग्रैनी ने पूरा एक रूम दिया था हमें रुकने के लिए, इस बार तो भाई जेल में ही बंद करा है। सो चलते हैं बाहर। बंद है यार ये तो, बाहर कैसे जाएंगे हम? एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिखा मुझे अभी, क्या है यार ये? लॉक पिक। ओके, सो आई थिंक मुझे इससे ताला खोलना है। कतई प्रोफेशनल हो रहे हैं हम पूरे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? चोरों वाला काम करवा रहे हो तुम मुझसे। मेरे पास लॉक पिक है फिर तो भाई, इस बार मतलब कोई की वी की जरूरत ही नहीं होगी मुझे। प्रोफेशनल हूँ भाई मैं, लॉक खोल रहा हूँ पूरा। खोल लिया भाई, खोल लिया। ओके, कहाँ हैं हम? यहाँ पर क्या है? सो हमें यहाँ पर दो वास रखने हैं जो कि वाटर से फील्ड होंगे। एक यहाँ पर रखना है एंड सेकंड वन यहाँ पर रखना है, देन ये ओपन हो जाएगा। ग्रैनी ने भाई कुछ छुपने की जगह नहीं दी है इस बार, अगर नीचे आ गई ग्रैनी तो भाई बचा के रहेगी हमें। हेलो सर, क्या हाल है? आपको आज़ाद करता हूँ मैं यहाँ से पहले। मेरे जैसे ही लग रहे हैं यार ये तो। मेरा भी यही हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। सही पकड़े हैं। पहले आके देख लो भाई, ग्रैनी तो नहीं आ रही है? नहीं आएगी शायद भाई, ऊपर वाला गेट भी बंद है। सर कैसे हैं आप? मैं आपका पड़ोसी। आपको देख कैसा लग रहा है, ग्रैनी बड़ी अच्छी सर्विस देती है यहाँ पर आपको। वहाँ पर सामने रहता हूँ मैं, बिल्कुल वहीं पर रुका हुआ हूँ अभी तो मैं। कप्पे उप्पे मारने हो तो आ जाना सामने। ओके, सो अब मुझे ऊपर ही जाना होगा। गेट ओपन करते हैं, देखते हैं कौन है भाई बाहर। दद्दू घूम रहे हैं, दद्दी घूम रही है। स्लेंडर ना मैडम ना आ जाए।
ओके, कोई है तो नहीं यहाँ पर? नहीं है। ये ड्रॉर देख लेते हैं यहाँ क्या है। वो आ गई भाई, आ गई आ गई, आली राली ग्रैनी आली। ये डर मुझे अच्छा लगा। अरे दादी जा रहा हूँ मेरे रूम में, मैं मेरे रूम में आराम कर रहा हूँ, मैं तो बाहर आया ही नहीं, मुझे तो गेट खोलना ही नहीं आता है। बंद करो रे, बंद करो भाई। यार इस गेम में भाई यही प्रॉब्लम है, जहाँ से गेम स्टार्ट होता है वहीं पे भाई छुपने की कोई जगह नहीं है। अरे मेरा मत खराब है क्या दादी, जो मैं तेरे साथ हाइड एंड सीक खेलूँगा, मैं यहाँ से बाहर नहीं भगूँ। फिर सिलेंडरी ना आ गई भाई, दिखी नहीं भाई मुझे उसका, भाई चेहरा भी नहीं देखा हमने उससे पहले हम पीछे घूम गए। बाहर निकलने के लिए ऊपर तो जाना ही होगा हमें। कोई है तो नहीं? हेलो, गेट खुला दिख रहा है भाई मुझे सामने का, ये खाली है यहाँ पर। ओरे भाई 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 ये सिलेंडर ना भाई ऐसे ही आएगी क्या हर बार? भाई ये डरावनी है सच्ची में, कलेजा मुंह को आ गया था अभी। गेट तो ओपन है भाई, दादी कहाँ है? दादी ओ यहाँ पर कुछ है भाई, टेडी रखा हुआ है, टेडी लेकर निकल लो। ओ भाई पीछे पड़ जाएंगे अब दोनों, बुड्ढा बुड्ढी दोनों आ जाएंगे भाई भाग के, उनका टेडी ले लिया मैंने। सबसे पहले सिलेंडर ना कोई घर से भगाएंगे। कहाँ है भाई, किधर से आ रहे दोनों? आ गए भाई, आ गए दोनों, आ गए। निकल लो भाई, मैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाऊँगा। ग्रैनी थ्री में इस्केप एक ही है, सिर्फ हम मेन गेट से ही भाग सकते हैं बाहर, और कोई रास्ता नहीं घर से बाहर जाने का। ओके भाई चलो ऊपर, बाय बाय दादा दादी, तुम दोनों यहीं पर रहोगे अब। दादी ने घर में खर्चा किया है, लिफ्ट लगवा ली भाई घर में। ये टेडी ग्रैनी चैप्टर वन में था भाई, चैप्टर टू में तो इन्होंने गायब ही कर दिया था, चैप्टर थ्री में वापस लेकर आ गई, ये अच्छी बात है। यहाँ पर तो ना भाई दादी आ सके ना दादू आ सके, ये रूम हमारा है। ये रहा वो सिलेंडरीना का झूला भाई, इसी में हमें टेडी फेंकना है। पर मैं भी पहले देखना चाहता हूँ ये दादा और दादी ऊपर आ पाते हैं या नहीं, इंतज़ार करूँगा मैं भी आने का। सामने मुझे वो व्हील दिख रहा है, वो व्हील लेकर आना होगा मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे प्लैंक चाहिए होगा। यार मुझे तो नहीं लगता है दादा और दादी आने वाले हैं ऊपर, बिकॉज आने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये चेयर किसकी है, दादी की या दादू की? ओके सिलेंडरीना जी आप एक घर छोड़कर आप भाग जाइए, ये लीजिए आपका टेडी। ग्रैनी में भाई ये साइड मिशन हुआ करता था, कंप्लीट करना नहीं करना चॉइस होती थी हमारे पास, लेकिन यहाँ तो भाई कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो ये की नहीं मिलेगी। सिलेंडरीना कुछ ना कुछ ड्रॉप करके जाती है हमेशा। ओके सो भाई ये लिफ्ट नीचे भेजते हैं हम, मुझे सामने वो व्हील लेना है, लेकिन उस व्हील के लिए मुझे वुडन प्लैंक चाहिए होगा। और इस लिफ्ट के साथ साथ मैं ये की भी नीचे फेंक देता हूँ, बिकॉज इस की का यूज़ है तो नीचे ही, यहाँ पे वैसे भी अभी कोई काम नहीं है इस की का। ये गई की नीचे, अब हम भी चलते हैं नीचे और ढूंढते हैं कुछ और। सामने भाई मुझे कुछ दिख रहा है यार, इतनी खुशी मुझे। दद्दू सो रहा है भाई, यही मौका है दद्दू की गन लेने का। अरे दातू उठ तू, अब तेरे को परमानेंट नींद दूंगा मैं, आ जाओ बुड्ढा बुड्ढी दोनों। पहले भाई ये दद्दू जाएगा फिर दद्दी जाएगी, दद्दू को सरप्राइज मिलेगा। आ जा भाई दद्दू, ये रही तेरी गन मेरे पास है, आया मजा, लेट जा तू अब ढाई मिनट तक। अरे दद्दी आ गई भाई, मेरे आदमी को किसने मारा? मैंने मारा, गजब बेइज्जती है। ढाई मिनट तक दद्दी भी गई, अब मैं भाई इस घर में आराम से घूम सकता हूँ। ऊपर से मुझे वो वाज गिराना है। अरे यार दद्दी चली गई, लेकिन उसके एक ट्रैप नहीं गए। दादी का रूम है ये, यहाँ पर भी बुलेट है, बुलेट दो भाई, बुलेट चाहिए मुझे। यहाँ पर कुछ है? कुछ भी नहीं रखती भाई, डराजों में डराजे बना क्यों रखी है दद्दी ने। ओके सो मुझे यहाँ से वाज गिराना है, ये रहा। ऐसे टोटल दो वास है, एक वास वहाँ पर सिलेंडरीना के रूम में है, सो हमें वहाँ जाना होगा वापस पूरा घूम कर यहाँ से। पर मैं बुलेट ले लेता हूँ, कभी दद्दी या दद्दू सामने आएंगे तो भाई उड़ा देंगे। गायब हो गए भाई यहाँ से वो दोनों। ओके सो पहले भाई हम ऊपर चलते हैं, वो वास नीचे गिरा कर आते हैं,
यहाँ से तो भाई दिख भी नहीं रहा है मुझे, ऊपर जाना ही होगा मुझे, वापस मुझे यूज करना होगा इसका। ओके लिफ्ट आ रही है ऊपर। वो रहा भाई दूसरा वास। इन दोनों वास में मुझे वाटर भी फील करना है। फिर ये गया नीचे। अरे आ जाओ रे, दोनों कब आओगे? आगे भी आली आली धरती, थोड़ा रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। धरती के दांत में गोली लगी है, दांत टूट गए होंगे सारे। अरे दद्दू भी आ गए, मेरी लुगाई को किसने मारा रे? दद्दू आ भाई, मारेंगे भाई दद्दू तो लग रहा है मुझे। दद्दू के भी दांत में गोली मारेंगे हम, पर दद्दू के तो दांत ही नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? दोनों साथ में सो रहे हैं भाई, दोनों की जवानी खत्म नहीं हुई है। सभी नरम गरम नरम गरम। भैया ड्रॉर्स क्यों बना रखी है इस गेम में, मुझे समझ नहीं आता है यार, कभी भी कुछ नहीं निकलता है इनमें से। यहाँ पर एक बुलेट रखी है, एक ही रखी भाई, दो भी नहीं है यहाँ पर। ओ भाई नारियल मिल गया, मेरा नारियल खाने का तो मन नहीं है, लेकिन यहाँ इसके अंदर कुछ है, वो चाहिए मुझे। ओके क्या निकला भाई इसमें से, ये क्या है? वेपन की, गिव मी दैट। वेपन भी इन लोगों ने इस बार बहुत अच्छा रखा है, गुलेल दिए इन लोगों ने मारने के लिए। ये कुछ मुझे भाई सिस्टम समझ नहीं आया। दद्दू को तो इन लोगों ने भाई शॉटगन दे रखी है मारने के लिए, और हमें गुलेल दिए खाली। शेड की, शेड की मिल गई है अब हमें, शेड का डोर ओपन कर पाऊंगा मैं अब। ओके सो भाई नीचे चलते हैं और पहले शेड का डोर ही ओपन करते हैं। ये लिफ्ट तो बहुत काम की है। कोई है यहाँ पर? आई थिंक नहीं है। हम आराम से अब शेड का डोर ओपन कर पाएंगे। ओके सो जनरेटर में भाई मैं केबल लगा सकता हूँ, केबल मुझे पता है कहाँ पर है। जनरेटर की केबल भाई उस कौवे के पास है, पर पहले दद्दी और दद्दू को सुलाना होगा। आ गई भाई, आ गई रे, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं इसका। ग्रैनी आराम ही नहीं करती भाई, डॉक्टर ने बोला है ग्रैनी को एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खाना। अब दद्दू भी भागता हुआ आएगा, मेरी लुगाई को किसने मारा? अरे भाई ये दादा कहाँ रह गया, उसकी लुगाई यहाँ पड़ी हुई है ना, वो भाई पता नहीं कहाँ मजे कर रहा है। 2000 years later. ये भी खा लिए यार। ओ आ गया भाई, आ गया यार दादा, इतनी देर बाद आ रहा भाई ये। टेंशन ही नहीं है भाई इसे दादी की बिल्कुल भी, पता ही नहीं इसे कि दादी के साथ क्या हुआ भी। सबसे पहले तो भाई हम ये वुडन प्लैंक को ऊपर लेकर चलते हैं, और फिर हम इसके थ्रू व्हील लेकर आ पाएंगे। ये वुडन प्लैंक लगाना है हमें यहाँ पर, और अब चलते हैं इधर। ओके गिरना नहीं भाई नीचे। ओके भाई मिल गया हमें ये व्हील, ये हमारा पुराना रूम है। सबसे पहले तो भाई हम वो डोर नीचे करते हैं। दादी भी उड़ गई होगी अब तो। इसे लगाना है यहां पर, देन इसको घुमाना है और ये नीचे आ जाएगा। देन हम इजीली गेट चढ़कर बाहर हो जाएंगे। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत। ये गेट क्लोज है अभी भी, लेकिन हम ये गेट चढ़कर बाहर हो सकते हैं। और डंडा दिख गया भाई ग्रैनी का मुझे, भाई देख लिया रे, देख लिया। दादी के घुटनों में दर्द है, तेज चल नहीं पा रही दादी। मैं चला दादी यहाँ से। गिव मी दैट गुलेल। हाँ भाई कहाँ है दादी? दादी को पत्थर मारेंगे हम, गन वन सब पुरानी हो गई है, अब पत्थर से मारेंगे हम। देखा तारे दिखा दिए ना।
दादा आएगा भाई भाग कर अब। 2000 years later. भैया दादा क्या प्यार व्यार नहीं करे दादी से? आया कि नहीं अभी तक? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? दादा हमारा इंतजार कर रहा था यहाँ पर, छुप के बैठा था भाई ये। स्कीम पता चल गई भाई उसे, इसलिए पहले से छुप के बैठा था वो। डे टू स्टार्ट हो गया है। दादा दादी ने फिर से इस 5-star रूम में बंद कर दिया मुझे। फिर से अपने प्रोफेशनल स्किल्स से बाहर निकलना होगा मुझे। सर को भी बंद कर दिया फिर से। हाँ भाई दादा दादी फिर से आ गया मैं। ओके सो ये लॉक खोल देते हैं हम। अब यहाँ पर मुझे 2 वास रखने हैं। ये की मैं यहाँ नहीं फेंक सकता हूँ वरना दद्दी भक्ति भी आएगी। गिव मी दैट बुलेट। अब आ जाओ भाई दद्दा दद्दी दोनों। पहले कौन आएगा, कौन खाएगा पत्थर पहले? बराबर आग के नीचे लगेगा। अरे आ जाओ यार, आज ही आना है। दादी आ गई भाई। दादी पत्थर खाओगे तुम? दिखा दिए ना तारे। अब दद्दू आएगा भाई, गन लेकर आएगा दद्दू। दद्दू से बच के रहना है, मैं थोड़ा कमजोर है भाई इस बार। दद्दी खाली पत्थर से बेहोश हो जा रही है। आ गया भाई दादा, आ गया भाई दादा, आ गया। यहाँ बुलाना होगा उसे। आ जा भाई दादा, आ जा तू। गया। ओ दद्दा तो उन्दे ही पड़ गया। अब आ जाओ भाई, गन है मेरे पास। पहले भाई इस बुढ़िया को सुलाना होगा मुझे। गोली कहाँ भाई, गोली कहाँ गई? गोली ढूंढो यार। ये रही भाई, एक गोली छोड़ी है मैंने यहाँ पर। अब दादी का काम होगा। होश नहीं आ गया भाई उस दादी को। चल जाओ दादी, सो जा तू थोड़ी देर और। अब हमें जनरेटर की केबल चाहिए, लेकिन उसके लिए उस कौवे को भगाना होगा मुझे। आई थिंक भाई पत्थर से भाग जाएगा ये। पत्थर से जब दादा बेहोश हो सकता है तो कौवा क्या है? ओ भाई कुछ भी नहीं हुआ यार इसे तो, और मेरा पत्थर वेस्ट कर दिया इसने। इसके लिए गन लानी होगी मुझे। एनिमल अब्यूज करना पड़ रहा है मुझे। आंखें बंद कर लो सब। मुझे नहीं पता कौवा कहाँ गया, मैंने नहीं देखा। उड़ गया शायद वो कौवा। जनरेटर की केबल आ गई है हमारे पास। इसे यहीं से हम नीचे फेंक देते हैं और एक गन वापस लो, क्योंकि वो दद्दा और दद्दी फिर से जाग गए होंगे। उन्हें फिर से सुलाना होगा मुझे। रास्ता साफ दिख रहा है मुझे नीचे जाने का। ओके आई सी यू दादी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई दादी और दादा दोनों चालाक हो रहे हैं भाई। मैं खड़ी भी थी, इंतजार कर रही थी बुढ़िया मेरा। इन दोनों का तो गेम बजाना पड़ेगा, तो गेम बजाना पड़ेगा। जनरेटर की केबल लेते हैं और फटाफट उस जनरेटर में जाकर लगाते हैं। कोई नीचे घूम तो नहीं रहा है ना? कोई नहीं है भाई, रास्ता साफ है। ये रहा जनरेटर। ओके सो यहाँ मुझे इसकी केबल लगानी है एंड ये स्टार्ट हो गया भाई जनरेटर। अब भागे भागे आए थे भाई दोनों। और दादा आ गया भाई, गन लेकर आया है वो। चला दी भाई, भाई अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है वो। निकल लो यहाँ से। अरे दादी जान है यहाँ से। देख लिया भाई, देख लिया मुझे। आ जा दादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी जाने का रास्ता है। सामने खड्डे में धक्का दे दूँ उस बुढ़िया को। ओके ओ भाई नीचे दद्दू है भाई, सोने जा रहा है दद्दू। अरे भाई कहाँ छुप रहा हूँ मैं, कहाँ छुप रहा हूँ, मरने वाले काम कर रहा हूँ मैं। यही मौका है भाई दद्दू से गन लेने की। सो गया भाई दद्दू जाकर, गन दिख रही है मुझे सामने उसकी। यही मौका है भाई, गन लेकर भाग जाओ फटाफट। दद्दी आ रही नीचे। अब भाई गोली चाहिए मुझे, गोली नीचे कार में है। लास्ट बुलेट बची है भाई, अब बुलेट नहीं है मेरे पास। और हम अभी भी हमें फ्यूज ढूंढना है भाई, फ्यूज नहीं है हमारे पास।
हाँ भाई दादा दादी, किसको खेलना हाइड एंड सीक? अरे दद्दू, तेरी उम्र के लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तू यहीं पर घूम रहा है अभी भी? बुढ़िया भाई भागी भागी आएगी, मेरा आदमी को किसने मारा? क्या बात है यार, दादी आई नहीं, नाराज तो नहीं हो गई भाई दादी? पहले भाई दादू बचाने नहीं आया था दादी को, भाई मेरा प्लान मालूम है कि क्या होने वाला है उसके साथ, इसलिए वो आई नहीं है अभी तक। आ गई भाई प्यारी दादी। ओके, अब सबसे पहले मुझे जाकर वो वास लेकर आने हैं, इसे यहाँ फेंकते हैं, एंड ये रहा दूसरा वाला, इसे भी हम नीचे फेंकते हैं और हम भी नीचे चलते हैं। इन दोनों में मुझे वाटर फील करना है, सो यहाँ पर है कोने में वाटर, ये रहा, अब इसे भाई नीचे लेकर जाना है मुझे, और ये सब मुझे फटाफट करना होगा क्योंकि दादा और दादी दोनों उड़ जाएंगे। ये दोनों वास मुझे यहाँ पर रखने हैं, एक तो हो गया, अब दूसरा लेकर आना है मुझे फटाफट। दादा दादी के भी उठने का टाइम हो गया है यार। इसमें भी हमें वाटर फील करना है और इसे भी नीचे लेकर जाना है मुझे। दादा दादी सामने ना जा बस। ओके, ये तो हो गया भाई कंप्लीट, अब ये ओपन होगा। कौन सी की है ये? सेफ की मिली है मुझे, इस सेफ में मुझे फ्यूज मिल जाएगा। और अब भाई दादी यहीं खड़ी है यार, यहाँ क्या कर रही है भाई दादी, इसको पता है क्या यहाँ से फ्यूज लेने आया हूँ मैं? देखना ले भाई, ये देख लिया भाई। अरे दादी सिर्फ फ्यूज चाहिए मुझे वहां सामने से। ये बाथरूम में सेफ कौन बनाता है यार? हो गया भाई हमारा तो काम, ये रहा फ्यूज, अब इसे भाई ऊपर फिट करना है मुझे, लेकिन भाई ये दादी सामने से जाए जब फिट कर पाऊंगा मैं। देखना ले भाई मुझे, ये देख लिया रे। आ रही है भाई दादी, ये फ्यूज ऊपर फिट करना है मुझे बस, फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ऊपर दद्दू ना हो, दद्दू नहीं है भाई, नहीं है, यही मौका है, फ्यूज फिट करो भाई फटाफट। ये लगाया फ्यूज, ये हो गया भाई ओपन गेट, अब बाहर जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आज भाई निकल गए हम ग्रैनी के घर से बाहर। अरे दादी तू अब हाइड एंड सीक ही खेलती रहना, मैं जा रहा हूँ बाहर। ओके गाइस, सो बाहर आ गए हम ग्रैनी के घर से, यहाँ से अब बस नीचे कूदना है और फिर दद्दू फेल देंगे हमें। क्या है भाई यार, ये दद्दू और दादी छाती पे चढ़े हुए पूरे, नीचे उतरने तक नहीं दे रहे हैं, उतरने से पहले मार दे रहे हैं। डे 4 आ गया यार, अब तो गेट ओपन हो गया भाई, लेकिन उसने मार दिया मुझे। अब तो भाई कुछ भी नहीं करना है हमें, गेट सामने ओपन है, सिर्फ भाग कर जाना है सामने। सर गुड बाय, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ भाई ये रहा गेट, एंड ये रहा भाई सामने वाला गेट, और वो रहा भाई हमारे आजादी का गेट। चला मैं दादी यहाँ से, अब दादा के साथ खेलना तो हाइड एंड सीक। ये खोला हमने गेट और ये चले हम बाहर। दादा दादी ढूंढ रहे हमें, ढूंढते रह जाओगे मुझे, मिलूंगा नहीं लेकिन अब मैं। स्लेंडरीना भी आ गई भाई वापस, मजा आया भाई गेम खेलकर। द एंड। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ होगा, अगर वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, हम कंटिन्यू करेंगे ग्रैनी 3 के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।